हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो। आप अच्छे हो? टाटा भाई। तो आज का जो दिन था मेरा, सुबह पहले प्रांकी को स्कूल भेजा और उसके बाद प्रांकी के स्कूल में ना, मतलब पेरेंट्स मीटिंग थी, लेकिन थी वो प्रिंसिपल मैम के साथ। अगर मतलब मान लो कि किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि मतलब, या कुछ सजेशन भी है, अगर ऐसा भी होता है, क्योंकि कभी कभी के तो वो भी मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है ऐसी कि मतलब जो भी, इन शॉर्ट कहा जाए कि जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करना था। अभी क्या है कि मैम से अगर क्लास में पेरेंट्स मीटिंग होती, अगर क्लास में होती है पेरेंट्स मीटिंग, तो सब लोग होते हैं उसमें, मतलब पूरा क्लास हो जाता है और पूरे क्लास के बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, जो कि कुछ चीजें हैं ऐसी कि जो नहीं, मतलब नहीं बोल पाते, या फिर होता है कि बहुत सारी चीजें, मतलब जो जिसके बच्चे होते हैं वो खुद समझते हैं कि हाँ क्या चीज बोलने वाली है और क्या नहीं बोल सकते हैं सब लोगों के सामने। तो जो प्रिंसिपल, मतलब कि होता है ना कि बच्चे के बारे में हमें कुछ पूछना है, या फिर कभी कभी होता है कि हमें किसी मैम की कोई बात ठीक नहीं लग रही है, या होमवर्क चेक नहीं हुआ है, या फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। जिसके बच्चे हो रहे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें सबको पता ही होगा। लेकिन ये चीज मुझे तो बड़ी ठीक लगी, मतलब सही लगी कि 1-to-1 मीटिंग थी। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ बैठ के नहीं बात करनी थी, सिर्फ प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जाना था और एक सिंगल पेरेंट्स जाके मीटिंग कर रहे थे मैम से। हालांकि बहुत ज्यादा लोग नहीं आए थे, हम लोग गए थे, तो सिंगल पेरेंट्स जाके प्रिंसिपल मैम से बात कर सकते हैं कि मतलब मान लो क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, बच्चे की है, मैम की है, किसी की भी है, या स्कूल की है, या कुछ सजेशन भी है, या फिर जो भी है, एवरीथिंग एनीथिंग, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो बता सकते हैं। और वो चीज भी बहुत अच्छी है कि वो हमें पता है, प्रिंसिपल मैम को पता है, तीसरा अदरवाइज अदर कोई नहीं है जो मतलब पूरा क्लास नहीं भरा है, वरना पूरा कैबिन नहीं भरा है, पूरा ऑफिस नहीं फुल था, सिर्फ प्रिंसिपल मैम थी और हम लोग थे, मतलब प्रिंसिपल मैम और पेरेंट थे और तीसरा कोई नहीं था। तो ये सब बहुत ठीक था। अगर आपको टीचर्स के बारे में भी बोलना है, या बच्चे के बारे में बोलना है, या स्कूल के बारे में बोलना है, जिसके भी बारे में बोलना है, अब बेझिझक बोल सकते हो, अपनी दिक्कत परेशानी रख सकते हो। तो ये चीज मुझे प्लस पॉइंट लगा यहाँ पे। खैर, थोड़ा बहुत तो हर स्कूल में होता ही है, लेकिन हाँ ये चीज बहुत सही थी कि हाँ हम कोई भी बात जाके प्रिंसिपल मैम से बोल सकते हैं, वो उसको ठीक करेंगे। फिर मेरे को भी था थोड़ी सी, क्योंकि एक तो प्रांकीगत मार्क्स उसमें एक सब्जेक्ट है उसमें ना थोड़े से कम काउंट हुए थे, तो मेरे पास वो मैंने बोल दिया था पहले, लेकिन क्या है ना कि उसका जो रिपोर्ट कार्ड था वो पुराना ही था मेरे पास, मतलब जो पहले अपडेट किया हुआ था पर इन लोगों ने, लेकिन जो दोबारा से करेक्शन करके नहीं किया था, तो वो शायद आज दे दे या कल दे दे, बोला तो है आज के लिए, लेकिन अभी देखते हैं, चलो हो जाता है कि आज नहीं तो कल आ जाए, तो उसके लिए बोला है। और बहुत से बच्चों में ये चीज हो जाती है कि लिखना नहीं चाहते हैं, तो कुछ बच्चे भी ऐसे भी है कि कभी कभी प्रांकी भी ऐसा कर लेती है कि हाँ हो जाता है, बच्चे खेलने में रखते हैं, उनको टोकना पड़ता है, तो मैम वगैरह भी बोलती रहती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हाँ हमने बोली उन्होंने मैम ने, और वो सब ठीक हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन चीज थी वो यही थी, एक तो करेक्शन वाली, मतलब जो रिजल्ट में रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि फिर जब एनुअल लास्ट एग्जाम्स होंगे मार्च में, जो लास्ट एग्जाम्स होंगे, फिर उसमें भी जो ऐड करना है या जो रिपोर्ट कार्ड करना है, हो सकता है बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाए, तो हम खुद भी भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं थे, सिर्फ 2 नंबर का करेक्शन था, उसमें 2 नंबर कम ऐड किए हुए थे, लेकिन हो जाता है कि कभी कभी हम 2 नंबर से हम ही भूल जाए उसमें, और फिर एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है वो, क्योंकि एक एक नंबर से इंसान छूट जाता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं, और ऊपर से तो वो चीज मेरे को चाहिए थी कि हाँ वो अभी तक मेरे पास कोई अपडेशन नहीं थी उसकी, मतलब न्यू रिपोर्ट कार्ड नहीं था, करेक्शन किया हुआ पुराना ही था। और दूसरी चीज थी और भी तो मतलब बहुत सारी बातें हुई थी, खैर बहुत ज्यादा हुई थी, काफी देर तक हुआ था, क्योंकि
हम लोग दो लोग मिलके गए थे इसीलिए, क्योंकि हम लोग पास पास में ही रहते हैं, एक और क्लास में है प्रांकी के जो, वो भी मेरे मतलब पास में ही रहती है, तो सोचा हम दोनों साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि सेम चीज थी, चीज रहती है, तो इसलिए कुछ बात होती है तो दोनों की सेम सेम थी, तो चलो चले जाते हैं साथ में। तो आज हम प्रांकी की प्रिंसिपल मैम से मिले थे जाके, पता है क्या पता है किसने बोला था? कपट्टा कपट्टा। कौन सी मैम ने बताया? मीरा मैम ने। क्या बोली मैम? क्या क्या बोली थी? योर मदर कम पेरेंट्स टीचर मीटिंग। यस मैम। ये देखने इसके, मैं गई थी आज प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए, और आपके कंप्यूटर में 2 मार्क्स कम थे ना, वो भी ऐड करके न्यू रिपोर्ट कार्ड मिलेगा प्रांकी का, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स कम ऐड किए हुए थे ना, इसलिए तो मैंने वो भी बोल दिया मैम से भी करके देंगी। और तुम लोग जो कभी कभी होमवर्क नहीं करते हो ना, छोड़ देते हो क्लास में, जो क्लास वर्क नहीं करते हो, वो भी बोला फिर सब, तो जाओ सुसु फिर जाओ। अच्छा फिर भी ना वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं थे, मतलब मैं बाद में एक और, पता है मैं उनसे मिली थी ना काव्य की मम्मी से प्रांकी, तो मैंने उनसे बोला था ना कि मीटिंग में नहीं आई थी, तो उन्हें पता ही नहीं था कि आज मीटिंग है। पता है मुझे लग रहा था कि ना मतलब बहुत भीड़ होगी जब 1-to-1 मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग है, तो एक एक करके भी आएंगे, तो मतलब बाहर थोड़ा तो वेट करना ही पड़ता है, लेकिन रियली सच्ची में कोई नहीं था, सीरियसली मतलब बहुत ही कम, मतलब जो शीट रखी हुई थी जिसपे साइन करने थे उसमें मुश्किल से 2-3 लोग आए हुए थे, 2 तो हम ही थे और 1-2 और थे, मतलब सीरियसली कोई नहीं आया था, मतलब इतना ठीक टाइम था कि हाँ तुम बात कर सकते हो और अपना नाम से कोई दिक्कत नहीं, बेझिझक कुछ बोल भी सकते हो, या मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग हों, बस मैम थी और हम लोग थे, वन मतलब मैम और पेरेंट, तो जो भी बात है जैसे भी है आप बोल सकते हो आराम से, तो आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आए थे, खैर। लेकिन अवेयर रहना चाहिए थोड़ा सा, क्या है कि उसे पता चलता रहता है, कि पेरेंट्स को भी पता चलता है, और जो मैम है प्रिंसिपल हो या फिर क्लास टीचर हो या कोई भी हो, उससे ये पता चलता है कि कितने अवेयर हैं। तो हम लोग एक बार और, मैं प्रिंसिपल मैम से ज़्यादा तो नहीं मिली, एक बार और गई थी मिलने, तब भी कुछ पता नहीं क्या कुछ इशू था, तब गई थी, तो वो पहले और आज मैं दूसरी बार मिली थी, वो देखते ही पहचान गई कि आप लोग पहले फर्स्ट टर्म के लिए भी आए थे ना, मैंने कहा हाँ हम लोग आए थे, क्योंकि मुझे लगता है सबसे डिफरेंट लोग हम ही थे, क्योंकि मैम से जो हमने बात की थी वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कुछ टाइम पहले कुछ मतलब टीचर्स ने अगर कुछ बोल दिया है तो पेरेंट्स क्या है एकदम बोलने के लिए आ जाते हैं कि तुमने ऐसे क्यों बोला बच्चे को, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। हम लोग क्या है, हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर बच्चा नहीं कर सकता तो थोड़ा डांटना तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो कि हाँ थोड़ा सा कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम उन्हें हम डिफरेंट से लगे थे, इसलिए वो हमें देखते ही पहचान गए कि आप लोग फर्स्ट टर्म के लिए भी आए थे। मैंने कहा हाँ जी आए थे। तो भाई देखो जब जब मैम पूरा दिन उनको देखेंगी तो थोड़ा तो डांटना पड़ता ही है, वरना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं बच्चे, अभी हम लोग भी हैं तो हम लोग भी क्या थोड़ा तो डांटते ही हैं, और अगर बच्चों को आदत भी होती है कि बच्चों की आदत होती है कि वो लिखना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें बार बार बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, जैसे प्रांकी है, तो प्रांकी के सामने अगर बैठे रहोगे ना तो वो होमवर्क करती रहेगी, अगर जैसे तुम उठ जाओगे तो वो पेंसिल फेंकी वहीं रुक जाती है, तो इसलिए हमने मतलब बोला था कि हाँ अगर डांटने की जरूरत पड़ती है तो आप डांटिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन शायद और कोई पेरेंट्स हो जिन्होंने को दिक्कत होगी, कुछ परेशानी होगी कि हाँ आप लोग ऐसा ना करें, तो इसलिए शायद हम लोग उन्हें डिफरेंट लगे थे, लेकिन तो नॉर्मल सी बात है ना कि अगर मतलब बच्चा नहीं करेगा तो टीचर हो या फिर घर पे भी हो तो हम लोग भी थोड़ा बहुत तो कुछ कहते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि हाँ उसने जो बोल दिया कि हाँ वो ठीक है तो ठीक है, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो हमें पहचान गई थी कि हाँ हम लोग पहले भी आए थे, मैंने कहा हाँ हम लोग आए थे, और बहुत भीड़ तो थी नहीं, बिल्कुल भी थी नहीं, लग तो ऐसे ही रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, जब क्योंकि 1-to-1 मीटिंग है, एक एक करके आके मिलोगे भी तो
मतलब कैबिन के बाहर तो काफी भीड़ हो ही जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक मतलब जब से मैं हम लोग गए थे तो कोई भी नहीं था, हम लोग आराम से बात करके आए कुछ में, और हमारे बाद में जब तक हम लोग वहाँ पे थे तो कोई नहीं आया था। उनको पता नहीं क्यों नहीं आए थे, शायद किसी को कुछ बात नहीं करनी हो या फिर पता नहीं हो, आई डोंट नो। लेकिन पता होना चाहिए इस चीज़ का, जब ऐप है तो उसमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। और वैसे तो सबको दिक्कत होती है, लेकिन मीटिंग में कोई बोलने को तैयार नहीं होता है किसी भी तरीके से। तो और पीछे से बैकग्राउंड में इनकी आवाज आ रही होगी। आज मैं स्कूल मुझे 2 बार जाना पड़ा, क्योंकि एक बार मैं मीटिंग के लिए गई और फिर दोबारा से आ गई, तो फिर प्रांकी को लेने जाना पड़ा क्योंकि इनको भी थोड़ा सा काम था तो नहीं जा पाए थे। थक गई मैं तो, थक गई तो फिर से थक गई। आजकल ना इंस्टाग्राम पे बड़ा चल रहा है, मैं तो थक गई तो फिर से थक गई। बहुत चल रही है, जो 2-3 दिन से वीडियो वायरल हो रही है ना, बहुत ज्यादा हो रही है। तो खैर चलिए, वो तो अलग बात है। बस यही था आज का मेरा ब्लॉग, और यही थी मेरी जो बातें थी आपसे करने की, और यही लास्ट करते हैं। फिर मिलेंगे मैं अगले ब्लॉग में, और ध्यान रखिएगा तब तक के लिए, बाय। और हाँ, जिसने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।